हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फतेहगढ़ तहसील के सिहड़ार के निवासी दिलीप सिंह ने कोरिया में आयोजित रोइंग जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। जानकारी के अनुसार कैप्टन रिडमल सिंह के पुत्र दिलीप ने बॉय स्पोर्ट्स कंपनी आर्मी पुणे कैंप की ओर से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। रोइंग, नदी और झील आदि में नाव चलाने के कॉम्पिटिशन में 1 किलोमीटर तक नौकायन होता है। प्रतियोगिता में दिलीप और उसके 3 साथियों ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसमें दिलीप सिंह भाटी ने देश को गौरव दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारों से बातचीत में दिलीप सिंह ने कहा कि मेरे साथ और 4 पार्टनर थे, 2 राजस्थान के हैं और 2 मध्य प्रदेश के। मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था और अब हम अर्जेंटीना की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया और मैं आगे भी प्रयास करता रहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को भी साथ लेकर चलूं। मैं बहुत खुश हूं और मेरा परिवार और मेरे गांव वाले भी बहुत खुश हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत करें और ओलंपिक में पदक जीतें। स्वागत के दौरान गणपत सिंह भाटी, गजेंद्र सिंह गोरडिया, बख्तावर सिंह भाटी, बन्ने सिंह भाटी, श्याम सिंह भैया, तन सिंह, राजू हिस, देवी सिंह, महेंद्र सिंह, हमीर सिंह, जुगत सिंह, प्रताप सिंह गिहराड़, पुष्पेंद्र सिंह आगौर, स्वरूप सिंह आगौर, राणा सिंह मारूड़ी सहित कई युवा मौजूद थे। क्या नाम है आपका और कहाँ से है आप? दिलीप सिंह भाटी, गांव सीडर्स। अच्छा, क्या जीत क्या है? जीत किया है सिल्वर मेडल एशियन चैंपियनशिप कोरिया में, ठीक है, जिसमें सिल्वर मेडल हुए और 17 कंट्री थी वहाँ पे। कितने देशों ने भाग लिया? 17 देशों ने। कितने प्रतिभागी थे जिसमें आप? मेरे साथ 4 और 3 पार्टनर और थे सभी, वो 1 राजस्थान का है, 2 मध्य प्रदेश के थे। इसके लिए आपने कितनी तैयारी की? मैंने तैयारी कम से कम 4 साल से कर रहे थे इसी के लिए, पर अभी अगला मेरा एम है यूथ ओलंपिक के लिए जा रहा हूँ अर्जेंटीना के लिए, उसकी तैयारी चल रही है मेरी। बाढ़ में आप पहले ऐसे शख्स हो जो इस टूर्नामेंट में भाग लेके आपने मेडल जीता है, इसको लेके आप युवाओं से क्या फील करेंगे? मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे गांव वाले वगैरह सभी इधर आए हुए हैं और मेरे जो भी रिलेटिव है सभी इधर आए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश है युवाओं को? क्या संदेश है? मेरा ये है कि सभी का आशीर्वाद मेरे साथ में और मेरे साथ जिनकी आने वाली पीढ़ी को। आपका क्या संदेश है आगे वाला आने वाली पीढ़ी को? उनको भी साथ में ये सोचूंगा मेरे साथ गेम करे और आगे ओलंपिक में गोल्ड लेने की कोशिश करने। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।